रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत देश के सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी थी, पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वहां मौजूद नहीं थे। तो अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर मौजूद नहीं थे तो जगत बहादुर अन्नू इतने परेशान क्यों हो गए? राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के शीर्ष नेता थे, उन्होंने तो कहा था जो भी कांग्रेसी वहां जाना चाहता है जाए, हमारी तरफ से किसी को रोकने में आपत्ति नहीं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज राजनेता और वहां के प्रदेश अध्यक्ष रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो जानना आपसे यह है कि जब मोदी जी वहां पहुंचे हुए थे, वहां पर राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी की मौजूदगी आप क्यों चाहते थे? इतना आपका मन क्यों भावुक था? मोदी दर्शन के लिए था या रामलला के दर्शन के लिए था? रामलला जी का दर्शन हम लोगों के लिए जीवन में सब कुछ है जी। हम लोग अयोध्या के पास सुल्तानपुर और बीकापुर के रहने वाले हैं जी। सवाल ये नहीं था, सवाल 7,500 लोग, आमंत्रित लोग वहां पर गए थे और वो रामलला जी के दर्शन करने गए थे जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंदर प्राण प्रतिष्ठान में पूजन में थे, इनको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए नहीं बुलाया था, रामलला जी के दर्शन करने के लिए बुलाया गया था जी। रामलला जी के दर्शन, चूंकि ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये सरकार में नहीं है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, लेकिन उनमें से ही नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनमें से सांसद भी हैं। जो आपके पास है वही सब कुछ है, उसी हैसियत से आपको वहां पे जाना चाहिए था और आपको किसी भी स्तर से उसको मना नहीं करना चाहिए था। अगर शीर्ष नेतृत्व कहता है कि हम नहीं जाएंगे, मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है, तो यह एक प्रकार से निर्देश अंतिम छोर तक आपने पारित किया कि आप नहीं जाएंगे। और यह स्वीकार नहीं है हम लोगों को कि आप रामलला के दर्शन के लिए आप कैसे बोल सकते हो कि हम लोग रामलला के दर्शन करने नहीं जाएंगे।